केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया पर निशाना साधा है। उन्होंने विपक्षी गठबंधन इंडिया की तुलना ज्यादा जोगी मठ उजाड़ से करते हुए कहा है कि इस गठबंधन में हर व्यक्ति प्रधानमंत्री पद का दावेदार है। उन्होंने कहा है कि विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया में सीटों का बंटवारा तक नहीं हो पा रहा है। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि इंडिया गठबंधन में निराशा लोग हैं, जिन्हें कई बार जनता ने नकार दिया है और आज अपने अस्तित्व के संकट से जूझ रहे हैं। विपक्षी गठबंधन इंडिया में शामिल दल अपनी सियासी जमीन बचाने के लिए एक दूसरे के धुर विरोधी होने के बावजूद एक साथ हैं। उन्होंने कहा है कि लेकिन इनके मंसूबे कभी पूरे नहीं होंगे, क्योंकि देश की जनता को एनडीए के कार्यों और गठबंधन में पूरा भरोसा है। आपने कहावत सुनी होगी, ज्यादा जोगी मठ उजाड़, तो ऐसा ही हो गया है कुछ इंडिया गठबंधन का हाल। हर व्यक्ति वहाँ पर प्रधानमंत्री पद का दावेदार है, तो वहाँ पर जो परिस्थितियां हैं उसे पूरा देश देख रहा है। आज वहां पर इस बात का फैसला नहीं हो पा रहा है कि सीटों का बंटवारा कैसे होगा। ये पूरी तरीके से निराश लोग हैं, जिन्हें कई कई बार जनता ने सत्ता से बेदखल किया है और आज ये अपने अस्तित्व के संकट से जूझ रहे हैं और अपनी राजनीतिक सियासी जमीन को बचाने के लिए ये एक साथ मिलकर, जो एक दूसरे के धुर विरोधी रहे हैं, एक साथ मिलकर कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह इनकी सियासी जमीन बची रह जाए। लेकिन इनके मंसूबे कामयाब नहीं होंगे। देश की जनता को एनडीए गठबंधन की सरकार के कार्यों में, उपलब्धियों में पूरा विश्वास है, मोदी जी के नेतृत्व पर भरोसा है। और देखिए, हम चांद पर पहुंच गए, हमने अपने सोलर मिशन को भी किस तरीके से कामयाब करके दिखाया है। तो देश की जनता इस उभरते हुए भारत को देख रही है और पूरा भरोसा है कि 2024 में अपार जन आशीर्वाद एनडीए गठबंधन को मोदी जी के नेतृत्व में प्राप्त होगा। देश की जनता को प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व पर पूरा भरोसा है। अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में हम चांद पर पहुंच गए हैं, सूर्य का मिशन प्रारंभ हो गया है। उन्होंने कहा है कि देश की जनता उभरते हुए भारत को देख रही है और पूरा विश्वास है कि 2024 में एनडीए को अपार जन समर्थन मिलेगा और एक बार फिर से पीएम नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वन नेशन वन इलेक्शन के लिए कमेटी गठित किए जाने का केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि यह कोई नया मामला नहीं है। देश के लॉ कमीशन ने 1999 में इस मामले में अपनी रिपोर्ट दी थी। ला कमीशन ने 2018 में भी अपनी ड्राफ्ट रिपोर्ट दी थी। 2015 में पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने भी वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर एक रिपोर्ट पेश की थी। अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि अभी इसका कोई ठोस खाका तैयार नहीं है। उन्होंने कहा है कि इस बाबत स्पष्ट मसौदा आने के बाद विस्तृत चर्चा की आवश्यकता है। मसौदा आने के बाद इस पर विस्तृत चर्चा होगी और होनी भी चाहिए। देखिए, ऐसा है, वन नेशन वन इलेक्शन कोई नया विषय नहीं है, ये लंबे समय से चल रहा है। हमारे लॉ कमीशन ने 99 में इसके संबंध में एक अपनी रिपोर्ट दी थी, 2018 में भी ड्राफ्ट रिपोर्ट दी, 2015 में हमारी पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने भी इसके संबंध में एक रिपोर्ट पेश की थी। तो एक लंबा विषय है और अभी इसका कोई एक ठोस खाका, एक ठोस मसौदा सामने नहीं आया है। मुझे लगता है वो आने के बाद इसे ज़रूर एक विस्तृत चर्चा की आवश्यकता है और इस पर सार्थक चर्चा होगी भी और होनी भी चाहिए।